हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का लास्ट टॉपिक करेंगे। नेम से क्लियर हो रहा होगा आपको, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर आर द डिसऑर्डर अराइज ड्यू टू एनी डिफॉर्मेशन और एनी एबनॉर्मेलिटीज इन द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, जिसमें अपना हर्ट भी आता है और ब्लड वेसल। जब हर्ट और ब्लड वेसल्स में किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस आती है, एबनॉर्मेलिटी आती है, फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, तो उन सारे डिसऑर्डर को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। तो वन बाय वन हम मैनी डिसऑर्डर इस कैटेगरी में आज डिस्कस करने वाले हैं आज के सेगमेंट में। तो फर्स्ट डिसऑर्डर इज हाइपरटेंशन। सिंपली वन बाय वन हम डिस्कस करते जाएंगे, नंबरिंग डालती जाती हूँ मैं। हाइपरटेंशन, वी ऑलरेडी डिस्कस टर्म हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन इन केस ऑफ बीपी। टॉपिक बीपी मेजरमेंट में हमने पढ़ा था कि यदि परसिस्टेंट किसी भी इंडिविजुअल का सिस्टोलिक प्रेशर 140 mm और डायस्टोलिक प्रेशर 90 mm Hg से ज़्यादा होता है मर्करी mm ऑफ मर्करी कॉलम, देन द डिसऑर्डर इज सेड टू बी हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन इज डिफाइंड, या आप कहें कि इफ़ इंडिविजुअल having persistent का मतलब लगातार, fluctuating condition को हम discuss नहीं करते, having persistent systolic pressure more than 140 and diastolic pressure 90 mm of mercury column, then the disorder is said to be hypertension। मतलब जब किसी भी इंडिविजुअल का बीपी परसिस्टेंट कितना होता है, नॉर्मल, हम एजिंग इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, 140 ओवर 90 mm mercury, then the disorder is said to be hypertension। या सिंपली यदि मैं इसको कहूँ तो दिस इज सेड टू बी हाई बीपी और हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। अब बात आती है कि हाइपरटेंशन किस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी लीड करता है। तो यदि किसी इंडिविजुअल में हाइपरटेंशन बना हुआ है, लंबे टाइम तक क्रॉनिक है, बहुत मैनी ईयर्स हो गए, एंड इफ़ इट एक्सीड मोर देन हाई बीपी, या बीपी इफ एक्सीड मोर देन 220 ओवर 120 मर्करी कॉलम, then it is highly severe or lethal for human body, that this high BP lead to hemorrhage। इतना हाई बीपी यदि किसी पर्सन का रहेगा तो इट समटाइम लीड टू रप्चरिंग ऑफ आर्टरी वॉल, आर्टरियल प्रेशर इफ मोर देन दिस परसिस्टेंट बीपी इतना हाई रहता है तो आर्टरियल वॉल के ऊपर इतना प्रेशर आता है कि कई बार आर्टरी वॉल क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती हैं, एंड ब्लीडिंग टेक प्लेस, एंड दैट वी यूज टर्म हेमरेज। इफ़ दिस हैमरेज अकर इन ऑप्टिक आर्टरी, अपनी आइज की आर्टरी में होता है, तो इट लीड टू परमानेंट ब्लाइंडनेस। तो फॉर एग्जाम्पल इफ दिस हैमरेजेस टेक प्लेस इन ऑप्टिक आर्टरी, देन इट लीड टू ब्लाइंडनेस। And if this hemorrhages take place in, कुछ example दे देती हूँ मैं आपको, hemorrhages take place in cerebral artery, we use term cerebral for brain, cerebral arteries में यदि hemorrhage होता है तो we commonly use brain stroke, we use term brain stroke और CVA, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। एक बार नेट में क्वेश्चन आया था बेटा, तो आप फोकस कीजिएगा, ब्रेन स्ट्रोक को ही हम CVA के नाम से जानते हैं, एंड दिस CVA लीड टू लॉस ऑफ स्पीच एंड पैरालिसिस, लकवा बोलते हो जिसको आप। तो एक बार फिर से रिकैप कर देती हूँ, यदि किसी इंडिविजुअल का परसिस्टेंट बीपी हाई है, 140 ओवर 90 एमएम ऑफ मर्करी कॉलम है, देन द डिसऑर्डर इज सेड टू बी हाइपरटेंशन, और
यदि बीपी इससे भी ज़्यादा एक्सीड करता है 220 सिस्टोलिक प्रेशर एंड 120 डायस्टोलिक प्रेशर, देन इट लीड टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेमरेजेस, एंड हेमरेजेस आर ऑफ वेरियस टाइप। यदि किडनी के किडनी में हेमरेजेस होती है, देन द डिसऑर्डर इज सेड टू बी नेफ्राइटिस। उसी तरह से हेमरेजेस यदि ऑप्टिक आर्टरीज में होती है, इट लीड टू परमानेंट ब्लाइंडनेस। अगेन हेमरेजेस टेक प्लेस इन सेरिब्रल आर्टरी, देन द कंडीशन इज सेड टू बी सीवीए, सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट। नाउ कम ओवर हाइपोटेंशन। नेक्स्ट डिसऑर्डर इज हाइपोटेंशन। नेम से क्लियर हो रहा होगा आपको, हाइपोटेंशन विच इज कॉमनली सेड टू बी लो बीपी। इफ द सिस्टोलिक प्रेशर, परसिस्टेंट सिस्टोलिक प्रेशर इज लेस देन 110 एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज लेस देन 70, देन इट इज द सेड टू बी लो बीपी और हाइपोटेंशन। तो इफ इट इज लेस देन 110 सिस्टोलिक प्रेशर एंड 70 डायस्टोलिक प्रेशर, देन द डिसऑर्डर इज सेड टू बी हाइपोटेंशन। एंड हाइपोटेंशन कॉमनली लीड टू डिजीनेस, लीड टू डिजीनेस, आंखों के आगे अंधेरा आता है, डिजीनेस हो गया, वर्टिगो, चक्कर आना, वीकनेस एटसेट्रा। देर आर सो मेनी रीजन बिहाइंड हाइपोटेंशन। एनीमिया की वजह से भी हाइपोटेंशन हो सकता है, या हम कहें कि माल न्यूट्रिशन, डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे तो भी हाइपोटेंशन रह सकता है। तो कॉमन रिलीफ, यदि बहुत लो बीपी जाता जा रहा है तो कॉमन रिलीफ के लिए हम क्या ले सकते हैं, ग्लूकोज एंड सॉल्ट रिच डाइट। तो रिलीफ फ्रॉम लो बीपी वी कैन टेक ग्लूकोज रिच डाइट, ग्लूकोज एंड सॉल्ट रिच डाइट अलोंग विद डार्क चॉकलेट। उसके थ्रू भी हम कॉमन रिलीफ, फटाफट रिलीफ ले सकते हैं हाइपोटेंशन से। नेक्स्ट थर्ड डिसऑर्डर इज वेरिकोज वेन। बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, जनरली नोटिस इन केस ऑफ फीमेल। वेरिकोज वेन अराइज ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग पोस्चर, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग कंडीशन। यदि कोई बहुत ज़्यादा देर तक खड़ा रहता है तो जनरली हमारे लिम्स में एक सेफिनस वेन होती है, उसकी वॉल्व डैमेज हो जाती है, एंड द कंडीशन इज सेड टू बी वेरिकोज वेन। तो अराइज ड्यू टू प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग कंडीशन एंड वॉल्व डिफेक्ट इन द वेन्स ऑफ लिम्स। कौन सी वेन्स में जनरली ये डिफेक्ट नोटिस होता है, ये एक बार नेट में आया था बेटा, जनरली इन सेफिनस वेन ऑफ हिंड लिम्ब, लेग के अंदर सेफिनस वेन होती है, तो उसकी वॉल्व के अंदर डिफेक्ट आ जाता है, एंड द जनरली डिसऑर्डर अराइज ड्यू टू प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग। बहुत लंबे देर तक, 3 घंटे 4 घंटे यदि कोई स्टैंडिंग पोजीशन में है तो इस तरह की प्रॉब्लम अराइज होती है। तो ये किस तरह का दिखाई देती है ये वेन, वेरिकोज वेन के सिम्टम्स क्या हैं? तो इन दिस डिसऑर्डर वेन्स बिकम टॉर्चरस, स्टिफेंड, बहुत स्टिफ हो जाती है और बहुत ही थिक भी हो जाती है, एंड क्लियरली विजिबल, बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं कि लेग में उठी उठी दिखाई देगी, ब्लू कलर की, ब्लू टिंज के साथ। उस वेन को हम क्या बोलते हैं, वेरिकोज वेन। एंड व्हाट आर द प्रोबेबल ट्रीटमेंट, तो ओनली ट्रीटमेंट इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ दैट वेन। तो ट्रीटमेंट इज हेयर, हाउ वेरिकोज वेन आर ट्रीटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल अवॉइड लॉन्ग स्टैंडिंग एंड ट्रीटमेंट, सेकेंड इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ वेरिकोज वेन। जो वेन फूल चुकी हैं, मोटी हो चुकी हैं, जिनके वॉल्व में डिफेक्ट आ चुका है, उन वेन्स को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। नाउ कम ओवर अनदर डिसऑर्डर।
नाउ कम ओवर द टिपिकल कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर दैट इज एरिथीमिया. व्हाट डू मीन बाय एरिथीमिया? नेम से क्लियर हो रहा होगा आपको, लॉस ऑफ हार्ट बीट. कि बीच बीच में कल हमने डिस्कस भी किया था ECG में कि कई बार बीट मिसिंग आती हैं, बीट प्रॉपरली जनरेट नहीं होती. तो एरिथीमिया मीन्स लॉस ऑफ बीट्स ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल. कुछ बीट्स मिसिंग आती हैं एंड व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड एरिथीमिया? तो आपको पता ही होगा हमारे कार्डिक रिदम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, SA नोड. क्योंकि पल्स और पोटेंशियल कौन जनरेट करता है? SA नोड. तो यदि SA नोड प्रॉपरली पोटेंशियल जनरेट नहीं कर रही तो बीट्स के अंदर क्या आती जाएगी? इरेगुलरिटी आती जाएगी. तो व्हाट आर द कॉज बिहाइंड एरिथीमिया? इम्प्रॉपर और डिसफंक्शनिंग. कोई गड़बड़ी आ रही है, डिसफंक्शनिंग ऑफ SA नोड विच इज सेड टू बी नेचुरल पेस मेकर, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल पेस मेकर. तो व्हाट आर द ट्रीटमेंट? कि अब हम इसको ट्रीट कैसे करें, क्योंकि SA नोड ने तो काम करना बंद कर दिया, या प्रॉपर पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पा रही, या इम्प्रॉपर या लेस अमाउंट में पोटेंशियल जनरेट कर रही है, एंड दैट पोटेंशियल इज नॉट सफिशियंट फॉर द प्रॉपर जनरेशन ऑफ हार्ट बीट, प्रॉपर पंपिंग ऑफ हार्ट. तो नाउ व्हाट आर द ट्रीटमेंट? तो इन एरिथीमिया इट इज ट्रीटेड वाया इम्प्लांटेशन. इम्प्लांट कर दिया जाता है, इम्प्लांटेशन ऑफ आर्टिफिशियल पेसमेकर. आर्टिफिशियल पेसमेकर जिसका SA नोड प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, ऐसे इंडिविजुअल में आर्टिफिशियल पेसमेकर को इम्प्लांट कर दिया जाता है अंडर बिनिथ द कोलर बोन, जस्ट बिनिथ द स्किन. स्किन के नीचे माइनर सर्जरी के थ्रू इम्प्लांट कर दिया जाता है, और यही आर्टिफिशियल पेसमेकर हमारे हर्ट को पोटेंशियल सेंड करते हैं ताकि प्रॉपर हमारा हर्ट पंपिंग जनरेट पंपिंग कर सके, ब्लड को प्रॉपरली सेंड कर सके. तो क्या होते हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर? बहुत सारे एडवांस पेसमेकर आ चुके हैं, कैप्सुलर पेसमेकर आ चुके हैं, लेकिन हम जनरल पेसमेकर पढ़ेंगे कि होते क्या है ये पेसमेकर. तो आर्टिफिशियल पेसमेकर में जनरली लिथियम हैलाइड की बैटरी यूज होती है. आपने लिथियम हैलाइड सुने ही होंगे आपने. तो इन आर्टिफिशियल पेसमेकर लिथियम हैलाइड बैटरी, लिथियम हैलाइड बैटरी इज यूज्ड. किस तरह का होता है पेसमेकर? यदि मैं आपको सिंपल सा डायग्राम बताऊं तो कुछ इस तरह का होता है बेटा पेसमेकर. एक छोटी सी बैटरी होती है एंड दिस बैटरी इज़ कंपोज्ड ऑफ लिथियम हैलाइड. दिस इज़ बैटरी, क्लियर. यहाँ से इसके लिड बाहर निकलती है और यहाँ पे इसके इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं. ये छोटे सिंगल लीड पेसमेकर, उसी तरह से डबल लीड पेसमेकर भी होते हैं. डबल लीड पेसमेकर जिसमें से दो लीड बाहर निकलती है और दोनों लीड पे क्या लगे होते हैं? इलेक्ट्रोड्स. तो अगेन यहाँ पे थोड़ा सा नेमिंग कर दूं कि यदि पेसमेकर में देखें तो दिस इज बैटरी. यहाँ से जो अराइज हो रही है बैटरी से, ये क्या है बेटा? लीड. एंड दिस इज इलेक्ट्रोड. तो आपको दिख ही रहा होगा और डायग्राम से क्लियर भी हो रहा होगा कि ये बैटरी पोटेंशियल जनरेट करती है, ये लीड इस पोटेंशियल को कंडक्ट करती है कहाँ तक? इलेक्ट्रोड तक. तो जो हमारे हर्ट के चैम्बर को प्रॉपर पोटेंशियल नहीं मिल पा रहा, वो पोटेंशियल कौन जनरेट कर रही है बेटा? बैटरी. एंड दैट्स वाई दिस पेस मेकर इज सेड टू बी आर्टिफिशियल पेस मेकर. एंड हाउ दिस फंक्शन, या किस तरह से इसको इम्प्लांट किया जाता है? तो दिस आर्टिफिशियल पेस मेकर, आर्टिफिशियल पेसमेकर जनरली इम्प्लांटेड बीनीथ द कॉलर बोन. दिस इज आवर कॉलर बोन और लेफ्ट साइड में यहाँ पे माइनर सर्जरी के थ्रू इसको इम्प्लांट कर दिया जाता है बैटरी को. बैटरी से क्या राइज हो रहा है बेटा?
इलेक्ट्रोड और लीड, और लीड ये कंडक्ट कर रही है, और इलेक्ट्रोड कहाँ पे एम्बेडेड होते हैं, कहाँ पे बरिड होते हैं, इम्प्लांटेड होते हैं अपनी हर्ट की वॉल में. तो डायरेक्टली पोटेंशियल को कहाँ सेंड किया जा रहा है, अपनी हर्ट की वॉल तक. तो दैट्स वाई दिस पेस मेकर इज सेड टू बी आर्टिफिशियल. तो जनरली इम्प्लांटेड बीनीथ द कोलर बोन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. क्लियर? तो इस बैटरी को इम्प्लांट कर दिया. तो दिस बैटरी आर्टिफिशियल पेस मेकर दैट इज बैटरी. किसकी बनी है बैटरी? लिथियम हैलाइड. हैलाइड हेयर इज रिप्रेजेंट विथ एक्स. क्या होता है ये और किस तरह से जनरेट करता है? तो दिस आर्टिफिशियल पेस मेकर कंपोज्ड ऑफ थ्री पार्ट्स. फर्स्ट वन इज पल्स जनरेटर. दिस बैटरी बिहेव एज अ पल्स जनरेटर. हेयर पल्स नॉट अ पल्स जो हम अपनी रेडियल आर्टरी में नोटिस करते हैं. पल्स हेयर इज पोटेंशियल पल्स जनरेटर. दिस इज सेड टू बी पल्स जनरेटर. हेयर बैटरी बिहेव एज अ पल्स जनरेटर. पल्स जनरेटर यदि सिंपली लिखूं तो पोटेंशियल जनरेटर. सेकेंड पार्ट इज लीड एंड थर्ड पार्ट इलेक्ट्रोड. सिंगल लीड पेसमेकर, डबल लीड पेसमेकर. टू इलेक्ट्रोड्स हैं तो वो कहाँ एम्बेडेड होंगे? अलग अलग चैम्बर ऑफ हार्ट में. क्लियर? तो क्या करता है ये पल्स जनरेटर? जनरेट पोटेंशियल. दिस लीड कंडक्ट पोटेंशियल फ्रॉम पल्स जनरेटर टू इलेक्ट्रोड. कहाँ तक कंडक्ट करता है बेटा पोटेंशियल को? इलेक्ट्रोड तक. एंड दिस इलेक्ट्रोड एम्बेडेड और इम्प्लांटेड इन द वॉल्स ऑफ हर्ट. एक बार फिर से बता दूं, जो अपना आर्टिफिशियल पेसमेकर है ये किससे मिलके बना है बेटा? लिथियम हैलाइड की बैटरी. क्यों ये बैटरी यूज़ करते हैं? क्योंकि इसकी जो वर्किंग लाइफ है इट इज़ मोर देन 10 ईयर्स. 10 to 12 ईयर्स होता है इट्स वर्किंग लाइफ. 10 ईयर्स मतलब यदि किसी इंडिविजुअल में ये बैटरी इम्प्लांट किया तो आफ्टर 10 ईयर्स फिर से इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है. तो आजकल बहुत सारे कैप्सुलर पेसमेकर आ चुके हैं जो लाइफ लॉन्ग वर्क करते रहते हैं. बहुत एडवांस पेसमेकर आ चुके हैं लेकिन फिर भी सभी का डिज़ाइन कुछ कुछ ऐसा ही होता है. फिर से बता देती हूँ, दिस इज़ बैटरी कंपोज्ड ऑफ लिथियम हैलाइड एंड दिस बैटरी इज सेड टू बी पल्स जनरेटर, जो पोटेंशियल को जनरेट करता है. और कहाँ इम्प्लांट किया गया? जस्ट बीनीथ द कोलर बोन इन लेफ्ट हैंड साइड. From battery lead emerge out which conduct pulse from battery to electrode and this electrode wire like structure है embedded or implanted in the wall of heart, जो यहाँ से potential को कहाँ conduct कर देती है? हमारी wall तक. तो ultimate potential कहाँ पहुँच चुका है बेटा? wall तक, ताकि हमारा heart क्या कर सके? pumping कर सके, contraction कर सके. तो this is arrhythmia. Next disorder is heart block. तो now come over heart block क्या होता है. block का मतलब ब्लॉक. हर्ट ब्लॉक हो चुका है. ब्लॉक का मतलब प्रॉपर पोटेंशियल नहीं पहुंच पा रहा कहाँ तक? हर्ट के चैम्बर तक, जिसकी वजह से हर्ट के चैम्बर पंप नहीं कर पा रहे. तो नेक्स्ट डिसऑर्डर हमने कितने कर लिए? 3, 4, 5. नेक्स्ट फिफ्थ इज हर्ट ब्लॉक अराइज ड्यू टू. यह हार्ट ब्लॉक डिफाइंड एज कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर और हार्ट डिसऑर्डर अराइज ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट.
एक बार फिर से रिकैप करते हैं इस टॉपिक को। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। आपको याद आ रहा होगा कि हमारा जो पोटेंशियल है वो कौन जनरेट करता है बेटा? एसए नोड। तो एसए नोड ने पोटेंशियल को जनरेट किया, तो फर्दर ये पोटेंशियल को कहाँ तक स्प्रेड होता है? एवी नोड और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एवी नोड से एवी बंडल्स अराइज होते हैं, विच इज सेड टू बी बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस एंड बंडल ऑफ हिस टू पुर्किंजी फाइबर, जो पोटेंशियल को स्प्रेड कर देता है किसकी वॉल्स में बेटा? हार्ट की वॉल्स में, ताकि हार्ट हमारा पंप कर सके ब्लड को फॉर पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। लेकिन अभी अभी मैंने कहा कि इट अराइज ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम। सपोज ऐसे नोड ने पोटेंशियल जनरेट करना ही बंद कर दिया, तो फर्दर पोटेंशियल एवी तक नहीं जाएंगे, बंडल ऑफ हिस तक नहीं जाएंगे, पुर्किंजी फाइबर्स तक नहीं जाएंगे, एंड दैट डिसऑर्डर इज एरिथीमिया, जो अभी अभी आपने पढ़ा। इसका मतलब ऐसे नोड ने काम करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। दैट कंडीशन इज सेड टू बी ऐसे ब्लॉक, ऐसे ब्लॉक, जिसमें ऐसे नोड क्या हो चुका है? ब्लॉक हो चुका है। तो ऐसे नोड ने यदि वर्किंग नहीं की तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऐसे नोड ब्लॉक। मतलब जब ऐसे नोड प्रॉपरली पोटेंशियल जनरेट नहीं कर रहा, दैट कंडीशन इज सेड टू बी एरिथीमिया। पोटेंशियल या तो सफिशियंट नहीं है या फर्दर कंडक्ट जनरेट कर रहा है लेकिन कंडक्टिंग टेंडेंसी लॉस्ट हो चुकी है। तो जब हमारा कंडक्टिंग सिस्टम की वर्किंग फंक्शनैलिटी लॉस्ट हो जाती है, दैट डिसऑर्डर इज सेड टू बी हार्ट ब्लॉक। अब सपोज इसने तो पोटेंशियल जनरेट कर दिया लेकिन इसकी कंडक्टिंग पावर लॉस हो चुकी, तो फर्दर पोटेंशियल यहाँ तो पहुँच चुका लेकिन आगे नहीं जा पा रहा, दैट मीन्स एवी नोड ने क्या कर दिया? कंडक्शन को ब्लॉक कर दिया, आगे जाने ही नहीं दे रहा। दैट कंडीशन और डिसऑर्डर हार्ट डिस मतलब हार्ट ब्लॉक अराइज ड्यू टू वेरियस रीजन। इट इज़ ऑफ ड्यू टू इम्प्रॉपर वर्किंग ऑफ एसए नोड, इम्प्रॉपर वर्किंग ऑफ एवी नोड। तो एवी नोड ब्लॉक। इफ देर इज अगेन एवी नोड कंडक्ट द पोटेंशियल रेगुलरली बट बंडल ऑफ हिज लॉस दिस टेंडेंसी, देन इट इज सेड टू बी बंडल ब्रांच ब्लॉक। अब आप कहेंगे व्हाई इट इज सेड टू बी बंडल ब्रांच ब्लॉक? तो आपने पढ़ा था कि बंडल ऑफ हिस विच इज सेड टू बी एवी बंडल्स आर ऑफ टू टाइप, राइट एवी बंडल्स एंड लेफ्ट एवी बंडल्स। तो अगेन बंडल ब्रांच ब्लॉक, यदि लेफ्ट बंडल ऑफ हिस में कंडक्शन लॉस्ट हुई, देन इट इज सेड टू बी LBB, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। It is commonly abbreviated by BBB, triple B, bundle branch block. If the right conducting path of bundle of his stop to conduct the potential to Purkinje fiber, then it is said to be right BB. Clear? BBB. Here bundle branch block. Again I recap here, if our cardiovascular conducting system failed to work properly, then the disorder is said to be heart block, and it arises due to various reason. There are so many reason behind heart block. ऐसा नहीं है कि heart block में always ऐसे node की improper working से arise होता है। कई बार हमारे AV node भी काम करना बंद कर देते हैं, कई बार हमारी bundle of his काम करना बंद कर देती है, conduction lost हो जाता है उसमें। तो there are so many reason behind हार्ट ब्लॉक। नाउ इसी से रिलेटेड हम और सिंपली कुछ डिसऑर्डर कर लें, ब्रेडीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया एंड टैकीकार्डिया। थोड़ी सी ही इसके अंदर डिसिमिलरिटी है बेटा। नॉर्मल यदि हम अपनी हार्ट रेट की बात करें तो नॉर्मल हार्ट रेट अपना कितना होता है? 72 टाइम्स पर मिनट बीट्स जो होती है, और बीट कौन जनरेट कर रहा है? हेयर ऐसे नोड। लेकिन कई बार हमारी बीट्स नॉर्मल कंडीशन में भी स्लो हो जाती है या हाई रहती है। यहाँ पे मैं एक्सरसाइज कंडीशन की बात नहीं कर रही कि जब आप बहुत दौड़ रहे हैं तो समटाइम योर हार्ट बीट एक्सीड मोर देन 100, लेकिन इन नॉर्मल कंडीशन इफ़ योर हार्ट बीट इज़ लो और हार्ट बीट इज़ हाई देन द नॉर्मल रेंज, देन द कंडीशन पैथोलॉजिकल कंडीशन इज सेड टू बी ब्रेडीकार्डिया एंड टैकीकार्डिया। तो इफ हार्ट बीट हार्ट रेट इज लो 60 टाइम्स पर मिनट, then the condition is said to be bradycardia, and if heart rate
is very high even in normal condition, that is 100 times per minute. अब आप कहेंगे कि ये तो normal भी हो सकता है हमारा, लेकिन यदि आप resting condition में हैं, आप सो रहे हैं, आप बैठे हैं, तो भी यदि आपका heart rate 100 times per minute exceed होता है या इतना रहता है, then the condition is said to be tachycardia. तो हमने ऐसे नोट अपने conducting system में abnormalities की वजह से कौन कौन से disorder पड़े अभी अभी, तो हमने एक पढ़ा बेटा अभी अपना arrhythmia, second पढ़ा heart block, third पढ़ा bradycardia and लास्ट हमने पढ़ा टेकीकार्डिया. नेक्स्ट कम ओवर अनदर टाइप ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर. नेक्स्ट कम ओवर अनदर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड एथेरियोस्क्लेरोसिस. इसको मैं इस ढंग से इसलिए लिख रही हूँ बेटा क्योंकि हम इसके अंदर कंपैरिजन करेंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम अराइज होती है इन दोनों में एंड हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट और बिटवीन आर्टरियो एंड एथेरियोस्क्लेरोसिस. बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, या हम कहें कि एथेरियोस्क्लेरोसिस इज पार्ट ऑफ आर्टरियोस्क्लेरोसिस. आर्टरियो आर्टरीज के अंदर स्क्लेरोसिस, किसी ना किसी चीज़ की डिपोजिशन हो रही है. तो किस तरह का डिसऑर्डर है ये? जनरली एजिंग रिलेटेड डिसऑर्डर है. तो आर्टरियोस्क्लेरोसिस आर डिफाइंड एज डीजेनरेटिव डिसऑर्डर, degenerative disorder और aging related. aging का मतलब बुढ़ापे में, age के साथ arise होता है. तो degenerative disorder in which elasticity of the blood vessels, especially here we consider arteries, get lost. और किसकी वजह से lost होती है ये? तो it arise due to deposition of calcium salts along with fats. अब फैट सुनते ही आपके दिमाग में आता होगा कोलेस्ट्रोल. लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कोलेस्ट्रोल कभी भी डिपॉजिट नहीं होता अपनी आर्टरीज के अंदर. दिस जनरली इंक्लूड ट्राइग्लिसराइड्स. जब हमने फैट्स की डाइजेशन पढ़ी थी तो फैट्स और लिपिड डाइजेस्टेड इनटू ट्राइग्लिसराइड्स एंड फर्दर इनटू मोनोग्लिसराइड्स. तो जनरली किन की डिपोजिशन देखी गई है बच्चों? ट्राइग्लिसराइड्स की. तो कैल्शियम सॉल्ट भी डिपॉजिट होंगे, लेकिन डिपोजिशन के लिए इसको क्या चाहिए? फैट चाहिए. और धीरे धीरे ये डिपॉजिट होना शुरू कर देते हैं. और किस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है? तो यदि मैं सिंपली आपको डायग्राम से दिखाऊँ तो ये है अपनी आर्टरी. क्लियर? यहाँ पे ये फैट डिपॉजिट होना शुरू हो गया अलोंग विथ कैल्शियम सॉल्ट. एंड जनरली दिस डिपोजिशन, ये पूछा भी जाता है, इट अराइज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट एंड फैट्स अलोंग विथ फैट्स इन थीका इंटरना एंड मीडिया इन बिटवीन थीका इंटरना एंड मीडिया. हमने तीन लेयर पढ़ी थी, थीका एक्सटर्ना, मीडिया, इंटरना. तो सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी थी बेटा? इंटरना. तो यहाँ पे आप देखें कि ये कुछ कैल्शियम सॉल्ट और फैट डिपॉजिट होने शुरू हो गए. और जैसे ये फैट डिपॉजिट होंगे, सॉल्ट्स डिपॉजिट होंगे, तो इसके ऊपर फाइब्रस शीट बननी शुरू हो जाएगी. क्योंकि जैसे कोई चीज़ डिपॉजिट होता है तो उसके ऊपर प्लेटलेट्स डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं, कुछ फाइबर्स डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं. फाइब्रोब्लास्ट सेल्स फाइबर्स बनाते हैं जो डिपॉजिट होते जाते हैं एंड दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी प्लाक. लेकिन जैसे जैसे ये कैल्शियम सॉल्ट यहाँ पे डिपॉजिट होती जाएंगी बेटा, वैसे वैसे इसकी इलास्टिसिटी क्या होती जाएगी? लॉस्ट होती जाएगी एंड इट गेट रप्चर्ड एट हाई ब्लड प्रेशर. जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो यदि इलास्टिसिटी लॉस्ट हो गई तो ये ब्लड वेसल्स क्या हो सकती हैं? रप्चर हो सकती हैं इन बिटवीन थीका एक्सटर्ना इंटरना एंड मीडिया. तो एट हाई बीपी दीज आर्टरीज आर प्रोन टू
प्रोन टुवर्ड्स हेमरेजेस, हेमरेजेस दैट इज ब्लीडिंग और बर्स्टिंग, टुवर्ड्स बर्स्टिंग, इट अराइज ड्यू टू बर्स्टिंग ऑफ आर्टरी, क्योंकि यदि बीपी हाई रहेगा तो बर्स्टिंग भी हो सकती है. नाउ कम ओवर एथ्रियोस्क्लेरोसिस. एथ्रियोस्क्लेरोसिस इज पार्ट ऑफ आर्टरियोस्क्लेरोसिस, इट इज अ पार्ट ऑफ आर्टरियोस्क्लेरोसिस एंड जनरली दिस टर्म इज रिलेटेड टू, जनरली दिस डिसऑर्डर रिलेटेड टू, सॉरी, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर CVD, कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज. एक बार इसको ध्यान से टर्म को सुने कि हमने ये टर्म जनरली CAD से रिलेट क्यों किया है, कि सपोज ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है और इस कोरोनरी आर्टरी में धीरे धीरे फैट की डिपोजिशन शुरू हुई एंड दिस फैट ट्रिगर द डिपोजिशन. जितना ज़्यादा फैट डिपॉजिट होगा उतनी तेज़ी से उसके ऊपर फाइब्रस शीथ डिपॉजिट होनी शुरू हो जाएंगे. और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि ल्यूमेन कैसा होता जा रहा है. बेटा यहाँ पे थोड़ा सा मैं डायग्राम को मॉडिफाई कर दूँ कि हमने ये जो बना है यहाँ पे डिपोजिशन, जनरली इन बिटवीन आप देखें तो थीका इंटरना और मीडिया के बीच में बना है, लेकिन यहाँ पे जो डिपोजिशन हुई है वो कहाँ हुई है, अंदर की तरफ, दैट इज इन थीका इंटरना, अंदर की तरफ. ल्यूमेन क्या होता जा रहा है बेटा, नैरो होता जा रहा है. यदि मैं थोड़ा सा TS रिकॉल कराऊँ तो ये था थीका एक्सटर्ना, ये था थीका मीडिया एंड दिस इज थीका इंटरना. इन आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम और प्लाक्स टेक प्लेस इन दिस रीजन, क्लियर, इस रीजन में हो रही है. ल्यूमेन के ऊपर ज़्यादा सा फर्क नहीं पड़ता, बस आर्टरी की जो वॉल है वो कैसी होती जा रही है, रिजिड होती जा रही है, टफ होती जा रही है, ब्रिटल होती जा रही है. लेकिन इन केस ऑफ एथ्रियोस्क्लेरोसिस यदि आप देखें तो डिपोजिशन कहाँ हो रही है बेटा, इंटरना में हो रही है, तो ल्यूमेन क्या होता जा रहा है, नैरो होता जा रहा है. और यदि हमारी कोरोनरी आर्टरी में डिपोजिशन होगी तो हमारे हर्ट को ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, धीरे धीरे स्लो होती जाएगी एंड इट लीड टू मायोकार्डियल इस्कीमिया, जो हमने ECG में पढ़ा था, एंड अल्टीमेटली टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. तो क्या होती है इसके अंदर, लिखें थोड़ा सा इसके बारे में. एथ्रियोस्क्लेरोसिस इट अराइज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट्स. अगेन आई रिकॉल हेयर ट्राइग्लिसराइड एंड सैचुरेटेड फैट्स जो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, वो हमारे लिए अनहेल्दी माने जाते हैं. इट अराइज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट्स इन द ल्यूमेन ऑफ कोरोनरी आर्टरी जनरली, वैसे तो किसी भी आर्टरी में हो सकती है लेकिन यहाँ पे हम कोरोनरी एथ्रियोस्क्लेरोसिस की बात कर रहे हैं, कोरोनरी आर्टरी जनरली, क्लियर. इट अराइज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट इन द ल्यूमेन ऑफ कोरोनरी आर्टरी. तो ल्यूमेन क्या होती जा रही है, बहुत नैरो होती जा रही है एंड दिस फैट ट्रिगर द डिपोजिशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड प्लेटलेट्स ओवर इट एंड अल्टीमेट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ येलो प्लाक्स एंड दीज प्लाक्स इज सेड टू बी एथ्रोमास, क्लियर. एथ्रोमास कहा जाता है इनको, कि आप देखें कि यहाँ पे फैट डिपॉजिट हुआ, फैट के ऊपर फाइब्रस शीथ डिपॉजिट हुई, फाइब्रस कोटिंग,
और धीरे धीरे डिपोजिशन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और जो ब्लड फ्लो है वो हिंडर हो रहा है, नहीं पहुंच पा रहा ब्लड नैरो ल्यूमेन. दिस लीड टू नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन. नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन. तो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड एथेरियोस्क्लेरोसिस. अगेन आई रिकैप हियर, इट अराइज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट अलॉन्ग विथ फैट इन बिटवीन इंटरना एंड मीडिया लेयर. नैरो ल्यूमेन भी डेफिनेटली नैरो होगा, लेकिन वॉल जो है आर्टरी की वॉल कैसी होती जा रही है, इट लीड टू आर्टेरियल वॉल विकम. यहाँ पे आप ये पॉइंट स्पेशल नोट के साथ लिखें, आर्टेरियल वॉल बिकम रिजिड, ब्रिटल एंड प्रोन टू बस्टिंग. बस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हेमरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं. येट इट इज़ अ एजिंग रिलेटेड डिसऑर्डर, बट ड्यू टू एनी हार्मोनल डिस्टर्बेंस कई बार हमारे कैल्शियम डिपोजिशन, कैल्शियम की अपटेक प्रॉपर नहीं हो पाती. यदि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ता जाए, हाइपरकैल्सीमिया, हेयर हाइपरकैल्सीमिया इवन लीड टू आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. आप पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में कि कैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन और PTH पैराथॉर्मोन हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है, लेकिन यदि ब्लड वेसल्स में ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो किस रिस्क फैक्टर को बढ़ाता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. एंड एथेरियोस्क्लेरोसिस जनरली अराइज ड्यू टू लिथार्जी, बहुत ही जो सेडेंट्री लाइफ फॉलो करते हैं या बहुत ज़्यादा फैट इंटेक लेते हैं, बहुत ज़्यादा ओबीज हैं, हाई BP पेशेंट हैं, दे आर मोर प्रोन टू एथेरियोस्क्लेरोसिस. नाउ हाउ कैन यू डिटेक्ट दीज प्लाक, कि किस मेथड से हम इन प्लाक को डिटेक्ट करेंगे. नाउ दीज एथ्रोमास, हाउ कैन दीज एथ्रोमास आर डायग्नोज और डिटेक्टेड इन ब्लड वेसल, कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो इसको हम डिटेक्ट करते हैं बेटा एंजियोग्राफी. तो एंजियोग्राफी इज द टेक्निक, इज द टेक्निक बेस्ड ओवर रेडियो ऑटोग्राफी टू डिटेक्ट और ट्रेस, पता लगाना, ट्रेसिंग करना एथ्रोमास विच इज सेड टू बी येलो प्लाक इन ब्लड वेसल्स. तो क्या करते हैं इसके अंदर, आप ध्यान से देखें कि सपोज ये एक ब्लड वेसल है बेटा, फर्दर आपको ब्रांचिंग दिख रही होंगी, ब्रांचिंग आपने देखी है कि बहुत फाइन फाइन ब्रांचेस होती हैं, और सपोज यहाँ पे येलो प्लाक डिपॉजिटेड है इन दिस एरिया, सपोज इट इज़ डिपॉजिटेड इन दिस एरिया, यहाँ पे येलो प्लाक की डिपोजिशन आपको दिख रही है, और ल्यूमेन कैसा हो चुका है, नैरो हो चुका है. तो अब आप देखें कि ब्लड यहाँ भी जा रहा है, इधर से भी ट्रेवल कर रहा है, लेकिन ये वाला जो इसका पाथवे है वो ब्लॉक हो चुका है पूरी तरह से. तो जो ऑर्गन इस एरिया में आते होंगे उसको ब्लड सप्लाई क्या हो चुकी है, स्टॉप हो चुकी है, या बहुत ही मिनिमम ब्लड सप्लाई जा रही है यहाँ पे. तो इट लीड टू सीवियर पेन इन दैट ऑर्गन, जिस एरिया में ब्लड सप्लाई बंद हो चुकी, वो कोई भी ऑर्गन हो सकता है, इवन हार्ट वॉल हो सकती हैं. यदि ये सपोज ये हार्ट की वॉल है और ये कोरोनरी आर्टरी और हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई, ब्लड सप्लाई बंद हो गई, तो इट लीड टू एंजाइना पेक्टोरिस. आपने पढ़ा था चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है, सीवियर इंडिकेशन है किसका, एथेरियोस्क्लेरोसिस का. तो नाउ एंजियोग्राफी में होता क्या है, ध्यान से देखें कि इसके अंदर ओपेक डाई इंजेक्ट की जाती है बॉडी में, और ये ओपेक डाई जिसके अंदर ट्रेसर्स होते हैं रेडियो एक्टिव, ये बॉडी में मूव करती जा रही है. तो ये जहाँ जहाँ जा रही है इसका मतलब आर्टरीज क्या है, क्लियर, लेकिन जहाँ पे ये चली गई और फर्दर वो रास्ते में जानी बंद हो गई, इसका मतलब यहाँ पे आके क्या आ चुकी है, ब्लॉकेज आ चुकी है. तो इन एंजियोग्राफी हाउ कैन वी डिटेक्ट और ट्रेस द प्लाक इन ब्लड वेसल, तो वी इंट्रोड्यूस ओपेक डाई इन ब्लड वेसल टू डिटेक्ट प्लाक्स. क्लियर.
अब बात आती है कि हमने डिटेक्ट कर लिया तो हाउ दिस नैरो ल्यूमेन, अगेन इसको नॉर्मल करना है तो कैसे करेंगे, तो आप देखें उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एंजियोप्लास्टी। तो नाउ द ट्रीटमेंट टू रिमूव दीज प्लाक्स, कि कैसे हम इन प्लाक्स को रिमूव कर सकते हैं, तो हमने डिटेक्ट किसके थ्रू किया बेटा, एंजियोग्राफी के थ्रू, और हम ट्रीट कैसे करते हैं, एंड दैट टेक्निक इज सेड टू बी एंजियोप्लास्टी। क्या होता है एंजियोप्लास्टी, इट इज नॉट इन योर सिलेबस, बस थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया दे दूं कि देर आर सो मेनी प्रोसीजर फॉर एंजियोप्लास्टी, लाइक बिलूनिंग जो सबसे कॉमनली आजकल यूज हो रही है, स्टेंट एंड कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, कोरोनरी आर्टरी, बट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी में मेनली यही यूज होते हैं। तो सेकेंड हम पढ़ेंगे CABG, क्या होते हैं, थोड़ा सा ब्रीफली है आपका, नॉट इन योर सिलेबस, बस थोड़ा सा बता दो होता क्या है इसमें। अब हम सपोज इसी को एग्जांपल ले लें बेटा, कि ये डिपोजिशन हो गई है और अब इसको हम रिमूव कैसे करें, तो यहाँ से कैथेटर डाले जाते हैं, प्लास्टिक की ट्यूब्स होती हैं, फाइन ट्यूब्स, कैथेटर, दीज फाइन ट्यूब्स, प्लास्टिक की फाइन ट्यूब्स हैं, पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, दीज ट्यूब्स आर कैथेटर, दीज आर फाइन ट्यूब्स मेड अप ऑफ टेफ्लॉन एंड डेक्रॉन, और यहाँ पे बेटा इसके इस टर्मिनल पॉइंट पे बिलून लगा होता है, क्लियर, हेयर एट टर्मिनल पॉइंट बिलून, बिलून स्पेलिंग देख लेना आप लोग, बेलून लगा होता है, यहाँ पर से जैसे ही वो कैथेटर वहाँ पे पहुँचा, हेयर एथ्रोमास प्लैक्स आर लोकेटेड विच आर ट्रस्टेड ट्रेस्ड वाया एंजियोग्राफी, और यहाँ से हीलियम गैस को पास किया जाता है, ये बेलून यहाँ जाके क्या करता जाता है बेटा, फूलता जाएगा, जैसे आप हीलियम गैस पास करोगे ये बेलून क्या होता जा रहा है, फूलता जा रहा है, और जैसे जैसे ये फूलेगा इट स्टार्ट क्रिएटिंग प्रेशर ओवर द प्लाक, और प्लाक यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा ब्लड फ्लो के साथ, या तो ये बाहर निकल जाएगा, और ये इसने ल्यूमेन को क्या कर दिया, खोल दिया, तो काफ़ी अच्छे टाइम तक ये पेशेंट विथ एथेरियोस्क्लेरोसिस कैन सर्वाइव नॉर्मल लाइफ। तो बेलूनिंग इज अ नॉन इन्वेसिव टेक्निक जिसमें कैथेटर को पास किया जाता है माइनर इंसीजन के थ्रू चेस्ट रीजन में, कैथेटर इज फाइन ट्यूब जिसको हम एक्सरे इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पास कर रहे हैं ब्लड वेसल में, और यहाँ से हीलियम गैस को छोड़ा जाता है, जैसे जैसे बेलून फूलेगी इट स्टार्ट क्रिएटिंग प्रेशर ओवर दी प्लाक एंड प्लाक इज रिमूव्ड और प्रेस डाउन, और ल्यूमेन क्या हो चुका है, वाइड हो चुका है, रास्ता खुल गया, ब्लड कॉन्टिन्यूसली फ्लो आउटसाइड, क्लियर। नाउ इन स्टेंट, क्या होते हैं स्टेंट, अब यहाँ पे मैं आपको अगेन थोड़ा सा रिकैप कर दूँ डायग्राम से, आपको एक्सप्लेन मैं कोई थ्योरेटिकली नहीं करूँगी, सिंपली ये ब्लड वेसल्स थी, यहाँ पे डिपोजिशन हो चुकी है प्लाक की, तो यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, कुछ इस तरह के वायर्स होते हैं, बायोप्लास्टिक्स की वायर होती हैं स्पाइरल कॉइलिंग की, उनको डाल दिया जाता है, ये क्या करती हैं, ये सपोर्ट देती हैं वॉल्स को, जितना ज़्यादा वॉल्स सपोर्टेड होंगी ल्यूमेन उतना ही क्या रहेगी, वाइड रहेगा, तो ये इसको वॉल को सपोर्ट देती हैं ताकि कॉन्टिन्यूसली ब्लड फ्लो होता रहे, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेंट इंक्रीज कर देता है, क्योंकि जो इनकी क्रिवाइसेस हैं, क्रैक्स हैं या लूप्स हैं, इट इंक्रीज द चांसेस ऑफ डिपोजिशन, तो ऐसे लोगों को अगेन ग्रीजी फूड फैट रिच डाइट अवॉइड कराया जाता है। तो स्टेंट में हम क्या डाल रहे हैं, वायर लूप लाइक स्ट्रक्चर डाल रहे हैं, बेलूनिंग में हीलियम गैस के थ्रू हम एथ्रोमास को, येलो प्लाक को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट कम ओवर CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, और सिंपली बोलूं तो ग्राफ्टिंग। अब आपने देखा कि यदि प्लाक की डिपोजिशन 40% है, 50% है, देन द बेलूनिंग एंड स्टेंट इज सक्सेसफुल। इफ ब्लॉकेज इज लेस देन 50% और अप टू 60% भी कह सकते हैं, लेस देन 50% एंड देन दिस मेथड एंजियोप्लास्टी इज सक्सेसफुल। बट इफ इट डिपोजिशन इज 80%, 90%, 100%, क्या फिर ये स्टेंट एंड बेलूनिंग सफिशिएंट होंगे उस प्लाक को रिमूव करने के लिए, तो नहीं होंगे। तो आप ध्यान से देखें, सपोज दिस इज कोरोनरी आर्टरी,
इफ इट इज गेट 90% और 100% ब्लॉक, पूरी तरह से ब्लड सप्लाई हिंडर हो चुकी है, प्लैक्स बन चुके हैं, एथ्रोमास लगभग 90-100% ब्लॉकेज, तो अब बेलूनिंग और स्टेंट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, वो इतने बड़े प्लैक को नहीं रिमूव कर सकते, तो यहाँ ब्लड फ्लो पूरी तरह से बंद हो चुका है, इट इंक्रीज द रिस्क फैक्टर ऑफ हार्ट अटैक। जब कोरोनरी आर्टरी में 100% ब्लॉकेज हो गई तो हमारी हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन मिलना क्या हो जाएगा, बंद, और हार्ट अटैक हो चुका है, तो उस केस में क्या किया जाएगा, उस केस में बाईपास ग्राफ्टिंग। व्हाट डू मीन बाय बाईपास? बाईपास का मतलब अलग से रास्ता निकाल देना। तो आप ध्यान से देखें, यहाँ पे ब्लड वेसल्स को कट किया जाता है, यहाँ कट किया जाता है, और एक अनदर कोई भी वेन्स बॉडी से बाहर निकाली जाती हैं और उसको ग्राफ्ट कर दिया जाता है। तो हेयर अनदर ट्रैक इज क्रिएटेड, तो इस ट्रैक से अब ब्लड कहाँ जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, क्लियर। तो इस प्लैक को नॉर्मली नहीं निकाला जा सकता विद द हेल्प ऑफ एंजियोप्लास्टी। इफ़ द डिपोजिशन इज मोर देन 90-100%, देन द कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग इज डन। तो जनरली इन दैट केस सेफेनस आर्टरी, लेग में से सेफेनस आर्टरी को निकाला जाता है बेटा, एंड दैट सेफेनस आर्टरी इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर ग्राफ्टिंग, और यहाँ पर से न्यू आर्टरी को ग्राफ्ट कर दिया जाता है, होल ट्रैक इज चेंज, दैट्स व्हाई दिस फिनोमिना या दिस ग्राफ्टिंग इज सेड टू बी बाईपास ग्राफ्टिंग, कि हमने इस क्राउडेड एरिया जो बिल्कुल ब्लॉक कर रहा था, ब्लड को जाने ही नहीं दे रहा था, रास्ता ही क्या क्रिएट कर दिया नया। तो दीज आर सर्टेन मैथड्स टू क्योर डिफरेंट टाइप ऑफ एथेरियोस्क्लेरोसिस। इफ डिपोजिशन इज लो देन एंजियोप्लास्टी, इफ डिपोजिशन इज मोर देन बाईपास ग्राफ्टिंग। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया आपको CABG कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। कम ओवर अनदर टाइप ऑफ कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर, मायोकार्डियल इस्कीमिया। हम लोगों ने ECG में भी पढ़ा था बेटा इसको थोड़ा सा। मायोकार्डियल इस्कीमिया का मतलब इनएडिक्युएट। यहाँ पे आप ध्यान से सुने, वर्ड के ऊपर फोकस कीजिएगा क्योंकि माइनर डिफरेंस है। इनएडिक्युएट ब्लड दैट इज ऑक्सीजन सप्लाई टू द मायोकार्डियम। मायो मीन्स मसल, कार्डियम मीन्स हार्ट मसल, मायोकार्डियम ऑफ हार्ट वॉल। एंड व्हाट आर द रीजन, अगेन अभी पढ़ा आपने, कोरोनरी आर्टरी में डिपोजिशन हो गया, ल्यूमेन नैरो हो चुका है, तो रीजन इज अगेन कॉज आर्ट्रियो एंड एथेरियोस्क्लेरोसिस। मेजर रीजन इज आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। मेजर रीजन क्या होती है बेटा, आर्टरियोस्क्लेरोसिस। नाउ अब हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो इट लीड टू पेन। तो व्हाट डू मीन बाय अंजाइना पेक्टोरिस? अंजाइना मीन्स चेस्ट, पेक्टोरिस मीन्स पेन। अंजाइना मीन्स चेस्ट, पेक्टोरिस मीन्स पेन। अगेन इट इज अ सीवियर इंडिकेशन, इट इज सीवियर इंडिकेशन indication of inadequate supply of blood to the heart wall। heart की wall को यदि inadequate supply ऑक्सीजन की, ब्लड की मिल रही है, या सिंपली हम कहें इस्कीमिया, यदि इस्कीमिया प्रोलॉन्ग कर रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही, तो सिम्टम्स क्या अपीयर होंगे? अंजाइना पेक्टोरिस चेस्ट पेन। किस तरह का पेन होगा और क्या क्या लीड करेगा? तो अंजाइना पेक्टोरिस इट अलोंग विथ या इट अपीयर अलोंग विथ डिजीनेस का मतलब आंखों के आगे अंधेरा आना, या आप कहें कि पाल्पिटेशन, पसीना आना, घबराहट होना, या थोड़ा बहुत वर्टाइगो, चक्कर भी आना, एंड पेन रेडिएट टू लेफ्ट आर्म।
लेफ्ट आर्म में रेडिएट करता है पेन बहुत ज़्यादा, और इवन समटाइम नोज़िया। तो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, नोज़िया हो रही है, थोड़ा सा चेस्ट में भारीपन लग रहा है। तो समटाइम दिस एंजाइना इज़ वेरी सीवियर एंड इट मे अराइज ड्यू टू माइकार्डियल इस्कीमिया, अराइज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ प्लाक इन कोरोनरी आर्टरी। नाउ इफ इट इज़ नॉट ट्रीटेड देन देर इज 100% ब्लॉकेज टेक प्लेस इन कोरोनरी आर्टरी, और अब पूरी तरह से हमारी हार्ट की वॉल को, मायोकार्डियम को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया और जो कार्डिक मसल्स थी वो क्या हो चुकी हैं, डेड। एंड दैट कंडीशन इज सेड टू बी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायो मीन्स मसल, कार्डियल मीन्स कार्डियम, एंड इन्फार्क्शन का मतलब डेड मसल। मसल्स कैसी हो चुकी हैं, डेड हो चुकी हैं। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन विच इज कॉमनली सेड टू बी हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। तो क्या होता है हार्ट अटैक में, ध्यान से देखें। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मीन्स नो सप्लाई, और सिंपली यदि आप कहें तो निल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और ब्लड टू द मायोकार्डियम ऑफ हार्ट वॉल, हार्ट वॉल। मायोकार्डियम को बिल्कुल भी ऑक्सीजन सप्लाई मिल नहीं रही। दिस कंडीशन लीड टू डेथ ऑफ द कार्डिक मसल, एंड दिस डेड कार्डिक मसल वी यूज टर्म इन्फार्क्टेड। इन्फार्क्टेड का मतलब डेड कार्डिक मसल। तो जितनी ज़्यादा कार्डिक मसल की डेथ हुई है, सीवियरिटी ऑफ हार्ट अटैक उतना ही ज़्यादा होगा। तो हार्ट अटैक अराइज ड्यू टू प्रोलॉन्ग इस्कीमिया, यदि बहुत लंबे टाइम तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही। तो एंजाइना पेक्टोरिस समटाइम मिसलीडेड विथ एसिडिटी, बट समटाइम दिस एंजाइना पेक्टोरिस इज द मेजर कॉज बिहाइंड हार्ट अटैक। नाउ अनदर डिसऑर्डर जो बिल्कुल माइनर सा एक एक लाइन में डिफरेंस है बेटा, हार्ट फेलियर जिसको आप बोलते हो, एंड द लास्ट वन इज कार्डिक अरेस्ट। क्या डिफरेंस है इन तीनों में, आपसे डिफरेंस पूछे जाते हैं, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डिक अरेस्ट, बस वन लाइन में डिफरेंस है। यहाँ पे हार्ट की मसल्स क्या हो चुकी हैं, डेथ हो चुकी है। हार्ट फेलियर, हार्ट फेल हो चुका है। जैसे मैं कहूँ कि पास होने के लिए आपको 33 मार्क्स चाहिए, लेकिन आप 31-32 लेके आए तो आप फेल हो चुके। तो हार्ट यदि ऑर्गन्स के पास सफिशेंटली ब्लड को सेंड नहीं कर पा रहा, दैट कंडीशन इज सेड टू बी हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर इन विच हार्ट फेल टू सेंड सफिशेंट blood to the organs during systemic circulation। जब हमारा heart properly pump नहीं कर पा रहा, properly blood को send नहीं कर पा रहा organs के पास, that condition is said to be heart failure and it arises due to congestive lung disorder। जहाँ पे लंग की कंजेशन हो जाती है, दैट मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट फेलियर। एंड कार्डिक अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब स्टॉप, जहाँ पे हार्ट में बीट आनी बंद हो गई, ECG बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ चुकी है, दैट कंडीशन इज सेड टू बी कार्डिक अरेस्ट। तो स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट, पूरी तरह से स्टॉप हो चुकी है हार्ट बीट, एंड इट इज़ नोटिस इन केस ऑफ ओवर ECG विथ साउंड PPP विथ स्ट्रेट लाइन, आप देख सकते हैं। तो दीज आर द कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर। हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो आपके नीट सेक्शन को कवर करता है। तो मायोकार्डियल इस्कीमिया में इनसफिशियंट, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई हुई है। एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब चेस्ट पेन, क्योंकि चेस्ट को सफिशियंटली ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। मेनली किस क्लियर को बात कर रहे हैं बेटा, मायोकार्डियम को। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, व्हाट यू मीन इन्फार्क्शन, डेड, जहाँ पे हमारी हार्ट की मसल डेड हो चुकी हैं, एंड दैट लीड टू हार्ट अटैक। हार्ट फेलियर, जहाँ पे हार्ट सफिशिएंटली ब्लड सेंड नहीं कर पा रहा, एंड द लास्ट वन इज कार्डिक अरेस्ट, जहाँ पे हमारी हार्ट बीट स्टॉप हो चुकी है। थैंक यू सो मच।